वेलकम गाइस, आज मैं आप लोगों को दोबारा से कैलीग्राफी करवाने लगी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मेरी पिछली क्लास थी, जो मैंने आपको लेसन नंबर 1 दिया था, उसमें मैंने आपको बेसिक जोर सिखाए थे कैलीग्राफी में। अब जो है वो मैं आपको जीम से जोर सिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जीम लिखूंगी और आपको बताऊंगी कि जीम कैसे लिखते हैं। देखें, सबसे पहले यहाँ से यूँ छोटा सा बनाना है, इसको यूँ करके यूँ कर्सिव शेप की मदद से इसको इस तरीके से कर देना है। एक दफ़ा दोबारा देखें, ऐसे ऐसे और ऐसे। आपका जीम बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। अब अगर आप जीम की फैमिली है, चे है, किसी को भी अगर आप रे से मिलाओ, जैसे मैं जीम को ही मिला के बता रही हूँ, ये देखिए, जो जो बे रे के साथ अगर आप मिलाते इसी को, जैसा कि अगर आप इसको बे रे के साथ मिलाते तो वो इस तरीके से लाइन के ऊपर आनी थी रे। मैंने आपको पिछली क्लास में ऐसा के बताया था। लेकिन जो जीम की पूरी फैमिली के साथ अगर आप रे मिलाओ तो वो लाइन से नीचे आएगा, वो लाइन के ऊपर नहीं रहेगा। अब मैं आपको इसको दाल के साथ मिला के बताती हूँ कि वो हम कैसे मिलाएंगे। ये देखें, यहाँ पर यूँ थोड़ा सा ऊपर नीचे, साथ ही ऊपर और यूँ ऐसे। तो ये दाल होगा वो आपका क्रॉस हो जाएगा। आपका जीम यूँ यूँ और यूँ होगा, ये भी आपका जिम क्रॉस हो जाएगा। जो असल रियल जिम होता है और दाल होता है उसमें ट्रायंगल बनता है। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से ट्रायंगल बनता है। यहाँ से यूँ आप करेंगे, यूँ साथ ही उठा के हल्का सा टच करके आपने ऐसे कर लेना है। ये देखिए, जो इधर है बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है इनके दरमियान में, आपको मैं बताती हूँ। ये देखें, एक ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा। तो अगर इस तरीके का आपका बना तो इसका मतलब है कि आपका बिल्कुल ठीक है। ये देखें, इसमें ट्रायंगल बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन रहा है और यहाँ पर पूरा ही इस लाइन के साथ टच नहीं हो रहा है, इस वजह से ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से इधर जो है वो जीम बहुत ही ज़्यादा खुला है, तो खुला जीम नहीं करना चाहिए और ना ही जीम आपका ऐसे होना चाहिए कि ऐसे हो तो ऐसे हो और ऐसे हो, ये चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए जीम में। ठीक है, कि दाल जीम के सिरे से मैच कर रहा हो आपका, इस तरीके से जीम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका जो जीम दाल है वो ये वाला बिल्कुल ठीक है। जैसे बे दाल में जो होता है वो मैं आपको पिछली क्लास में बताया था, बे जो होता है वो ऊपर होता है और दाल नीचे होता है। तो इसी तरीके से जीम को हल्का सा टच करते हैं और आगे ट्रायंगल बनाकर दाल लिखते हैं। जो बे होता है उसमें ट्रायंगल नहीं बनता, बे हमारा होता है ऊपर हवा में और यूँ दाल इस तरीके से। जैसे हम लोग जुर्म लिखते हैं चेहरे से, तो वो हमारा जुर्म ऐसे आ जाएगा। अब जैसे जिस लिखते हैं तो इस तरीके से यूँ 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 और यूँ, इस तरीके का आपका जिस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कटने मार्कर से आप हमेशा पतला और मोटा करते हो कहीं पर कहीं पर। जैसे कि अब आपने यूँ किया है तो यहाँ से बिल्कुल पतली सी लाइन आएगी, यहाँ से छोड़ोगे थोड़ा सा और फिर यहाँ से यूँ लिखोगे। यहाँ से आपकी कर्सिव शेप बिल्कुल ठीक बननी चाहिए। ये हो गया जी आपका जिस। अब मैं आपको बताती हूँ जा, जैसे अलिफ मिला लो अगर आप जीम के साथ, यूँ करके अलिफ मिलाओ ऐसे। ठीक है, छोटा जीम आपका यूँ और यूं होना चाहिए। देखो, छोटा जीम एक साथ अलिफ। ठीक है, यूँ छोटा जीम आपका यूं होना चाहिए बिल्कुल इस तरीके से। ये छोटी चीज़ यहाँ से इससे आगे जानी चाहिए, इस चीज़ से, ये जो आपकी जो जीम का सिरा है वो आपके इस चीज़ से आगे जाना चाहिए। अब जैसे हम लोग जीम के साथ बे को मिलाएंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से जो आपका जीम और बे होगा ना वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके साथ जो ट्रायंगल है वो तो बन रहा है लेकिन यहाँ से बिल्कुल से टच नहीं हो रहा, साथ हम लोगों को टच करना है जैसे कि ऐसे करके ऐसे। और बे जो है वो आपका हल्का सा लाइन से नीचे आना चाहिए इस तरीके से। यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। अब जैसे जिस मैंने आपको बताया, जिस, ठीक है, अगर इसी तरीके से हमारा यहाँ पर अगर बे के साथ सीन होता तो आपको मैंने बताया था कुछ, वो आपकी चीज़ इस तरीके से नहीं होनी जैसे जीम सीन के साथ होगी, नहीं, वो अगर आप बे के साथ करोगे तो आपकी क्रॉस हो जाएगी। आपकी जो बे के साथ होती है वो मैंने आपको जैसे पिछले पेज पे भी समझाया था, मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि बे को अगर आप सीन के साथ मिलाओगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बे सीन, तो इस तरीके से गलत हो जाएगा। यहाँ से मोटा नहीं होना, इसलिए सिरे इसके पतले होंगे। तो जो बे सीन था वो आपका इस तरीके से बिल्कुल ठीक था। आगे चलते हैं, आगे आपको बताती हूँ जीम से और जोर।
एक दफ़ा आपको मैं सारे रिवाइज करवा देती हूँ कि जो जो मैंने आपको अभी जिम से बनाना सिखाए हैं। पहले तो मैं एक दफ़ा जिम रिवाइज करवाती हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। जिम जिस जब और जैसे कि जुर्म और यहाँ पर जद जस, ये देखिए। तो इस तरीके से मैंने आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा दिए हैं सारे। अब जैसे अगर हम लोग जिम को तुआएं के साथ मिलाएं, जिम तुआएं तो कुछ नहीं बनता, लेकिन खत जिम की फैमिली तो तुआएं के साथ मिल सकती है ना, इस तरीके से। यूँ यहाँ से आपने लेके आना है ये खे, जब आप तुआएं मिलाओगे ना तो ये बिल्कुल इस तरीके से यूँ आना चाहिए, और साथ में यूँ करके ये तुआएं, तो आपका ये बन जाएगा खत। अब जैसे अगर हम लोग जिम को आइन के या गैन के साथ मिलाएंगे तो वो हमारा ऐसे हो जाएगा, छोटा सा यूँ जिम और ये ऐसे, ये देखिए ठीक हो गया। अब जैसे जिम को हम फे के साथ मिलाएंगे, तो अगर ये होगा ना ये गलत हो जाएगा, फे के साथ भी आपका वही वाला ट्रायंगल बनना चाहिए जो आपका जिम डाल के साथ बना था यहाँ पर। इसी तरीके से मैं अब अगर जिम को काफ के साथ मिलाऊंगी, ये देखिए ये काफ के साथ मिल गया जीम। ये जो आपका काफ के साथ और आइन के साथ और तुए के साथ जीम है, ये आपका लाइन के साथ नहीं लगता, तुए के साथ लगता है बस, वो भी हल्का सा लगता है। ये जो है नहीं, ये वाला जो है वो क्रॉस होगा आपका, जो लग रहा है लाइन के साथ वो आपका टिक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपका है जक जीम के साथ, अगर मैं ये काफ को मिला दूं तो वो भी इस तरीके से यहाँ पर ट्रायंगल देगा, जैसे जग अगर आपकी दो डंडियाँ हैं ना तो आपने क्या करना है, एक डंडी को इसके साथ मिला के यूँ ही यूँ कर लेके जाना है और एक को ऊपर इस तरीके से। लेकिन अगर एक डंडी है तो आप बाद में भी कर सकते हो और उसके साथ भी कर सकते हो इस तरीके से। अच्छा जैसे अब जम है, जम आपको मैं बताऊँ आप प्रैक्टिस कैसे करें जम लिखने की, मीम इस तरीके से लिख लें, यहाँ इसके साथ जो है वो जीम मिला दें। पहले आपने क्या करना है, इस तरीके से मीम लिखने की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मीम आपका ये वाला ठीक होगा, ये वाला गलत होगा। आपने कैसे लिखना है मीम, यहाँ से यू जगह जाके थोड़ा सा आगे जाके ऐसे करना है, ठीक है ना, ये देखिए, और यहाँ पर मीम ऐसे 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 ऐसे, ये वाला आपका गलत होगा और ये वाला ठीक होगा, मैंने आपको पहले भी बताया। ऐसे करके जब आप ऐसे करेंगे ना और उसके साथ ऐसे कर देंगे तो आपको ये प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपने इसको यूँ करना है, यूँ और यूँ, यूँ यूँ और यूँ, बताएं। अब मैं आपको एक दफ़ा इकट्ठे लिख के दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये देखिए, ठीक है, वही वाला स्टाइल। अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं, ज़्यादा इजी है आपको लगता है तो आप इस तरीके से लिख लें, ठीक है। ऐसे है बेमीम, बेमीम भी अगर आप इसी तरीके से लिखोगे ना तो वो आपसे ज़्यादा अच्छा लिखा जाएगा, जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, वो थोड़ा सा मुश्किल था आपको, अभी अगर आप सीख रहे हो तो अभी आपको ऐसा नहीं लिखना आएगा, तो आप क्या करोगे, पता नहीं ये क्यों नहीं लिख रहा, ये देखें अगर हम इस तरीके से मीम और बे, तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है बे और मीम। तो आपने जे और मीम और बे और मीम का जब जोड़ करना है तो आप पहले इस तरीके से सीखें और फिर उस तरीके से सीखें, क्योंकि ये मीम के साथ किसी भी चीज़ को जोड़ना ना थोड़ा सा मुश्किल है। अब जैसे नून के साथ अगर हम लोगों ने जीम को मिलाना है, जैसे अगर बे के साथ मिलाते थे तो वो इस तरीके से, इस तरीके से होता था, ठीक है। लेकिन अगर हम जीम के साथ मिलाएंगे, यहाँ तक रोक के ऊपर से आपने नून लेकर आना है,
ये नहीं कि इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, नहीं, उसमें आपकी जो ये वाली शेप है ना, ये जो पतली बन रही है वो मोटी बनेगी। जैसे ये देखें इस तरीके से ये मोटी बनी ना, फिर आपको यूँ करना पड़ा। लेकिन बे के साथ जब आप नून लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और जब जीम के साथ लिखेंगे तो आपने पहले जीम लिख लेना है और नून इस तरीके से, पहले आपने जीम लिख लेना है ऐसे करके ऐसे, और फिर यहाँ से यूँ नून। और जब तक अगर आप बे के साथ लिखेंगे तो वो आप ऐसे लिखेंगे तो आपका क्रॉस हो जाएगा। आपने जो बे के साथ लिखना है वो बिल्कुल ऐसे करके ऐसे लिखना है, ऐसे करके बिल्कुल एक साथ। लेकिन अगर आप जीम के साथ नून लिखेंगे तो देखें वो चीज़ नहीं आपकी बनी जो अलहदा अलहदा में बनी है, ठीक है। तो ऐसे जो लिखते हैं जीम वाओ, जीम वाओ, जीम वाओ, जो आपका अलग अलग बनना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हे दो तरह की होती है, एक ही होती है ये वाली, अगर आपने झ लिखना है तो आपकी ये वाली हे होगी, ठीक है। अब जैसे अगर आपने छोटी ये मिलाना है ना, तो वो आप इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। पहले आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर इसके साथ ये मिला देना है, तो आपका थोड़ा सा वो आहिस्ता आहिस्ता आपको आ जाएगा। पहले आपने ये इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ये देखिए, ठीक है। लेकिन जो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी ना आपकी थोड़ी गलत हो जाएगी। आपने बताऊँ ये जो है ना, ये और ये इस तरीके से जीम लिखना होता है, जो ये है वो यहाँ से यूँ मैच हो रहा हो, इस तरीके से, इस तरीके से, और ये इस तरीके से, जे इस तरीके से, इस तरीके से, और ये अच्छा जी। जैसे अब बड़ी ए के साथ अगर आप मिलाएं, जैसे बे के साथ था ये यूँ हवा में जाता था, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से अगर बे के साथ लिखते हैं तो ये यूँ बड़िए हवा में जाना था, तो इसी तरीके से जब आप अगर जीम के साथ लिखेंगे तो ये बड़ी आपका हवा में जाएगा। एंड से हम आ जाए दरमियान में, जैसे मोहम्मद, आपने यूँ मीम लिखना है, यूँ हे, यूँ मीम, और ये दाल। अब जैसे है मखदूम, एक लफ्ज मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ, मखदूम, मीम है दाल, वाओ मीम। अगर आपका मखदूम इस तरीके से आएगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर दाल के साथ जीम आपका होगा ये, तो आपका यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ट्रायंगल नहीं बना, देखें, तो हमने यहाँ पर ऐसे लिखना है कि यूँ 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 और यूँ, ये आपका मखदूम ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब एक दफ़ा आपको छोटी से दोबारा समझा देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल है। मीम से तो मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताया है, देखें इस तरीके से, आपने इस तरीके से, इस तरीके से, ये इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना, जो आपकी ये चीज़ है वो इस तरीके से, इस तरीके से जाएगी, आपने इधर एंड करनी है वो चीज़, इस तरीके से लेके आनी है, ठीक है। तो गाइज यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हाफिज़, सी यू ऑल, बाय बाय।